भाई नेचुरल रबर के बारे में, नेचुरल रबर क्या होता है और इसके जो पॉलीमराइजेशन होता है वो किस तरह होता है। नेचुरल रबर जो टॉपिक है जो आपका क्लास 2 है का टॉपिक है जो पॉलीमर्स वाला आपका चैप्टर है, पर इसमें हम उन चीज़ों को भी कवर करेंगे जो सिर्फ क्लास 12 के नहीं, आपकी अगर बात करूँ मैं हायर स्टडी में कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं पॉइंट्स जो कि NCERT में गिवन नहीं है और आपको पता होना चाहिए नेचुरल रबर के बारे में। तो आज हम बात करेंगे नेचुरल रबर क्या होता है और इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा ही रहेगा, साथ में जो आपका इसका आगे का जो प्रोसेस होता है सिंथेटिक रबर होता है उसको समझने में भी हेल्प करेगा। सबसे पहले समझते हैं नेचुरल रबर होती क्या है। तो नेचुरल रबर एक पॉलीमर है किसका, आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन क्या होता है, आइसोप्रीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक का मतलब जो हमें नेचर से मिले, इसलिए हम इसे बोलते हैं नेचुरल रबर, क्योंकि हमें नेचर से जो इसका जिस चीज़ से बनती है वो चीज़ हमें नेचर से मिलती है, वो हमें बनानी नहीं पड़ती, हमें खुद नेचर हमें वो प्रोवाइड कराती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि नेचुरल रबर है क्योंकि ये हमें नेचर से मिल रही है। एक होती है सिंथेटिक रबर जो हम बनाते हैं केमिकल प्रोसेस से, वो होती है सिंथेटिक रबर, पर आज हम देखेंगे कि नेचुरल रबर कैसे बनती है। तो ये बनती है हमारे आइसोप्रीन से, और आइसोप्रीन क्या होता है, आइसोप्रीन होता है 2-methyl-3-1-3-butadiene, ये इसका केमिकल अगर बात करूँ IUPAC नेमिंग है। अगर IUPAC नेमिंग से आप इसका स्ट्रक्चर समझ सकते हैं तो ये एक कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है आइसोप्रीन, जिसका जो पॉलीमराइजेशन होता है, जिसके जो पॉलीमर होते हैं यानी कि जब ये सब एक साथ एक चेयर में लगेंगे तो ये फॉर्म करते हैं नेचुरल रबर को। अब इसके स्ट्रक्चर की मैंने बात करूँ तो वो होता है 2-methyl-1-3-butadiene, इसका आप देख सकते हैं। अगर बात करूँ तो मैं तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने 4, तो ब्यूटा और डाई यानी कि 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 और 3 पे डबल बॉन्ड और 2-methyl यानी कि 2 नंबर पे मिथाइल। तो अगर आपने IUPAC नेमिंग नहीं पढ़े तो पढ़ सकते हैं, IUPAC नेमिंग में आपको समझ आएगा कि स्ट्रक्चर आप कैसे बनाना है। कई बार क्या होता है, कई बार आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में नेचुरल रबर का आपको यही पूछ लेंगे इसका आइसोप्रीन जो इसका मोनोमर है वो क्या होता है, तो आपको बताना होगा आइसोप्रीन और उसका स्ट्रक्चर आपके पूछा जाता है, तो आपको इस तरह उसको बना सकते हैं 2-methyl-1-3-diene, तो ये इसका मोनोमर होता है। उसके बाद बात करते हैं इसी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो नेचुरल रबर होती है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वीक वन डबल फोर्सेज होते हैं। तो नेचुरल रबर क्या होती है, आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, इसको आप खींच सकते हैं, यानी कि अपनी पोजीशन में ये वापस आ जाती है। अगर इसकी बात करूँ अगर कंप्रेसिबिलिटी की, तो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है नेचुरल रबड़ की। आपने कई बार यूज़ भी करोगा डेली यूज़ में, आपने देखी होगी रबड़ कैसी होती है। तो रबड़ जाहिर सी बात है, आप उसके आप स्ट्रेच करेंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी, वापस अपने आपको जो है अपनी जो पोजीशन है अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको रीगेन कर लेती है, यही इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसकी क्योंकि ऐसी क्यों होती है कि इसके जो फोर्सेज होती हैं वो वीक वन डबल फोर्सेज होती हैं, अगर स्ट्रॉन्ग होती तो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं केमिकल बॉन्ड्स उस पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा कितना ज़्यादा आपको स्ट्रेच कर पाएंगे। तो इसके जो बॉन्ड होते हैं काफ़ी वीक होते हैं, जिस वजह से आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। इस वजह से काफ़ी जगह पर काफ़ी चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है, पर मेनली अगर बात करूँ मैं आपकी अगर डेली लाइफ में, तो डेली लाइफ में हम नेचुरल रबर को कम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर क्या होती है, इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अलग से बताऊंगा कि वल्केनाइज्ड रबर हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एलाइलिक CH जो बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं। अब अगर देख सकते हैं जो CH बॉन्ड है वो उसके उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं। तो अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, तो स्ट्रक्चर जो होता है नेचुरल रबर का वो कुछ इस तरह होता है। तब देख सकते हैं यहाँ पे आइसोप्रीन के पॉलीमर, यानी कि बहुत सारे आइसोप्रीन जो होंगे वो एक साथ लगे होंगे। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर का मतलब होता है एक मोनोमर, अगर बहुत ज़्यादा अगर लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर एक साथ मिल जाए उसे बोलते हैं पॉलीमर। तो यहाँ पे आइसोप्रीन जो होता है वो लगातार बहुत लंबी चेन बन जाती है उसकी, और वो फॉर्म करते हैं नेचुरल रबड़ को। तो इसमें आप देखेंगे इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं, तो ये बॉन्ड्स जो CH के साथ जो बॉन्ड बना रहे हैं काफ़ी वीक बॉन्ड होता है, जिस वजह से हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं और इसमें सल्फर का एडिशन करा देते हैं। सल्फर का एडिशन करा के हम इसको वल्केनाइज्ड रबर बोलते हैं। सल्फर जब इसमें ऐड हो जाता है तो क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिस वजह से हाई टेम्परेचर जहाँ पर अगर जैसे गर्मी होती है, तो आप देखो अगर जब गर्मी में जब हमारे जो बाइक जो व्हीकल्स होते हैं अगर हम गर्मी में रोड पर लेके जाएंगे तो जो टायर होते हैं हमारे कार के टायर या हमारे ट्रक के टायर वो ख़राब हो सकते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको वल्केनाइज्ड रबर यूज़ करते हैं। इसमें सल्फर का एडिशन कराने के बाद क्या होता है, ये और ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाती है और हाई टेम्परेचर में इसको यूज़ कर जा सकता है। और जिसमें जो सल्फर ऐड होता है वो 5% ऑफ सल्फर ऐड करते हैं, जो कि वल्केनाइज्ड रबर होता है। उसको अलग से टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि वो कैसी है उसको।